Hello everyone, good afternoon for the second session in the afternoon. We are going to start with the session. Is everyone ready out here? Is everyone there? I can see Kiran ji, aap yahan pe hain? Haan, Kiran Thakur ji hain. Okay, to Chameli ji abhi thoda ek meeting mein busy hain aur wo ek ghante baad hume join karengi. To isliye main Kiran Thakur ji se anurodh karungi ye session shuru karne ke liye. Kiran Thakur, Honorable Kiran Thakur is a social activist and elected deputy mayor for the Gaur municipality in Rotherhot district. She started contributing to her society as a children and a women's rights activist. She regularly visited diverse communities to raise awareness on issues of early child marriage, domestic violence, untouchability, and the importance of children's education. She actively supported the state house run with support from the Ministry of Women and Children in Gaur. This is a safe space for women and children who had suffered domestic violence, trafficking, and exploitation to receive shelter and support. Her efforts have led to the construction of the Human Service Center in the Rotherhot district, a service to provide shelter to those in need, such as children, women, and the senior citizens. Over to you, Honorable Ma'am Kiran Thakur ji. सबसे पहले हमारे डॉक्टर गीता मैम लगाए उनके जितने भी टीम है सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमस्कार। और मैं वास्तव में एक महिला के क्षेत्र में काम करने वाली महिला अभियंता और सामाजिक अभियंता और साथ साथ में राजनीति में प्रवेश किए। उससे पहले मैं यहाँ जो नेपाल की अवस्था और परिस्थिति है उसके बारे में मैं अपना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वास्तव में नेपाल एक ऐसा देश है, यहाँ महिलाओं की आरक्षण दी गई है, महिलाओं की आरक्षण विभिन्न क्षेत्र में दी गई है, लेकिन आरक्षण सिर्फ दे देने से कार्यान्वयन न होना बहुत विडंबना है। जैसे जो हमारे यहाँ की सरकार है, सरकार में सहभागिता कराई गई है, यहाँ जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, वो भी अभी महिला हैं, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में दोनों में एक महिला एक पुरुष का ही आरक्षण किया गया है। जैसे सभामुख, इस देश की सभामुख अभी पुरुष हैं और उप सभामुख हमारी महिला हैं, इसमें भी एक महिला और एक पुरुष का भी आरक्षण किया गया है। हर एक क्षेत्र में, जैसे कहा जाए, हमारे प्रधान न्यायाधीश भी हमारे देश की एक महिला थी, सुशीला कार्की, और राजनीति में भी महिलाओं की 33% अधिकार दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में भी अभी हमारे जो प्रदेश नंबर हम 2 की हैं, हमारी सबसे पहले मैं तो भारत की बेटी हूँ और शादी होकर मैं नेपाल आई हुई, और तराई के ही मधेश के ही मिट्टी में मेरी शादी हुई है। मेरे श्रीमान इंडिया से ही पढ़े हुए हैं, पीएचडी किए हैं बेंगलोर से, और उनका ही जो मुझे बढ़ाने की, एक नेपाली नहीं जानने वाली महिला, मैं हिंदी पढ़ने वाली महिला है, नेपाली जानती ही नहीं थी, फिर भी मुझे इतना सपोर्ट किए, इतना सहयोग किए कि आज मैं आज यहाँ जो एक डिप्टी मेयर के रूप में देख रही हूँ। यहाँ हर एक तह में महिलाओं की दिया गया है आरक्षण। स्थानीय तह में जो अभी स्थानीय सरकार का चुनाव हुआ उसमें भी मेयर और उप मेयर दोनों में एक महिला और एक पुरुष को दिया गया टिकट। उसी तरह वार्ड सदस्य में भी दिया गया। जैसे हमारे नेपाल में स्कूल व्यवस्थापन समिति होती है, उसमें भी महिलाओं की आवश्यकता अनिवार्य रूप में है कह के महिलाओं को रखा गया।
जो हमारे देश में संघ संस्था है, विभिन्न संघ संस्था एनजीओ एनजीओ है, उसमें भी ट्रेजरर के रूप में महिला को रखा गया है कि जो आर्थिक कारोबार होती है वो महिला रहेगी तो पारदर्शी होगी, और महिला जहां भी ईमानदारता दिखाती है, ये सारे कुछ है। और जो हमारे यहाँ मेयर और उप मेयर में भी हमारी देश में लगभग 7 हमारे मेयर में महिला जीती हुई है, और 424 हमारी उप प्रमुख यानी कि डिप्टी मेयर में महिला जीती हुई है। और ये सारे होते हुए, सारे प्रावधान होते हुए भी जो हमारे देश में महिलाओं को साथ बहुत सारी भेदभाव, और भेदभाव में खास करके हम कहेंगे कि तराई की महिला मधेश की महिला, और मधेश की महिला के अंदर भी जो भारत से आई हुई महिला है उसके साथ भेदभाव। अभी आप लोग के पास न्यूज गया होगा जो 7 वर्ष शादी होने के बाद सिटीजनशिप मिलेगी, और भारतीय महिला को किसी भी प्रकार की उच्च स्तर का पोस्ट नहीं दिया जाएगा। बहुत सारी यहाँ जो विडम्बना है, इतना सारे भेदभाव हम लोग के साथ होती है। अब ऐसे भेदभाव के शिकार हम लोग बने हुए हैं कि हम लोग का चाहना होते हुए भी हम लोग चाहते हैं कि समाज में हम लोग अच्छा सामाजिक अभियान करें, राजनीतिक अभियान करें, सामाजिक सेवा करें, आंदोलन करें, लेकिन सफल होना बहुत मुश्किल हो जाती है। सामाजिक अभियान से लेकर राजनीतिक अभियान में हम लोग लगे रहे, लगभग मैं 20 वर्ष से इस अभियान में लगी हूँ, और खास करके मेरी एक ही थी कि महिला, बाल बालिका और ज्येष्ठ नागरिक, इन तीनों सेक्टर को मैं कैसे सेवा उपलब्ध करूं और कैसे मैं सेवा करूं कह के मैं बहुत सारे संघ संस्था से जुड़कर मैं अपनी महिलाओं को घर घर से निकालने की प्रयास किए। जो महिला यहाँ हमारी नेपाल में, खास करके मधेश की महिला बाहर निकलना नहीं चाहती थी, मैं भी बहुत घूंघट में ही थी, घूंघट से निकलना बहुत मुश्किल हुआ था। अभी भी जो हम ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, हम एकदम ग्रास रूट की महिला है, जहां पर अभी भी बहुत सारी सामाजिक संरचना को देखा जाता है, महिलाओं को घूंघट में रहना चाहिए, महिलाओं को कम शोर में बोलना यानी साउंड कम करके बोलना चाहिए, महिलाओं को सर झुकाकर चलना चाहिए। महिलाएं महिला हैं, वो जो दही होता है ना, दही को तोड़कर मही बनाना, उसी प्रकार यहाँ महिला को मही के समान बूझते हैं लोग। और दही जो है वो हमारे पुरुष लोग हैं, दही ठोस, महिला इतना कमजोर है, महिला कुछ कर नहीं सकती है, ऐसा उन लोगों के विचार में हमेशा रहता है। लेकिन भारत से आए हम लोग महिला कमजोर नहीं, एकदम संघर्ष लड़ाई करके अपना समाज का सेवा, अपने घर परिवार के, अपने जो राष्ट्र के सेवा में लगे हैं। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ मधेसी महिला है और मधेसी महिला की वकालत करे, होल हम लोग पूरा देश की महिला, हमारे राष्ट्र के संपूर्ण महिला, पहाड़ी हो या मधेसी हो, सबका वकालत हम लोग करते हैं। अभी हमारे देश में घटना पर घटना महिला के साथ विभिन्न हिंसा, घरेलू हिंसा से लेकर यौन हिंसा तक इतना अत्यधिक रूप में बढ़ा हुआ है, और उसमें भी हमारी कुछ दीदी लोग बोली हैं कि मधेश की महिला और पहाड़ी समुदाय की महिला में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं है, लेकिन हम लोग को खटकता है, लगता है कि हम लोग के साथ में बहुत सारे भेदभाव हो रही है। सबसे पहले तो भेदभाव, एक तो हमारा राष्ट्र ही हम लोग के साथ में भेदभाव कर रहे हैं, जैसे किसी भी निर्णय प्रक्रिया जो होती है, निर्णय प्रक्रिया में किसी प्रकार का सहभागिता नहीं कराना, महिला का डिसीजन किया हुआ रॉन्ग हो सकता है, राइट कभी करिए नहीं सकती है डिसीजन, ऐसा माने आता है हमारे देश में। अभी हम ड्यूटी मेयर है, हमारे मेयर साहब जब हम कुछ वहां प्रस्ताव रखेंगे, उनको लगेगा कि नहीं
इनसे कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ अंडर का जो स्टाफ होती है उस तरह सिर्फ आपको जो आदेश दिया जाएगा वही आपको करना है, आप अपने हिसाब से आप अपना डिसीजन नहीं चला सकती हैं, ऐसा मानसिकता। और खास करके मैं अपने सिर्फ अपने गौड़ नगर पालिका यानी कि हम अपने ही नगर पालिका की बात नहीं होल देश की बात करते हैं कि यहाँ इतना ये सारे कंसेप्ट बिगड़ा हुआ है, जो उप मेयर यानी डिप्टी मेयर महिला है तो उनको डिसीजन में सहभागिता कराना ही नहीं है करके बहुत मतलब यहाँ अधिक रूप में महिलाओं को पैर से जो दांज कर चाप कर चला जाता है उस तरह से हम लोग गुजर रहे हैं। और पहाड़ी मधेसी महिला में भेदभाव ही है और जाति पाति में भी बहुत सारी भेदभाव है, हम लोग कहते हैं कि जाति पाति पे नहीं है, जात पात के भेदभाव, यहाँ हमारे गरीब धनी का भी बहुत ज्यादा भेदभाव है, नातावादी का भी जो है, जिस महिला की पति राजनीति में इन्वॉल्व है, जिस महिला की घर के किसी भी पुरुष राजनीति से जुड़े हुए हैं उस महिला को राजनीति करना बहुत आसान है, लेकिन जिस महिला की घर के किसी भी पुरुष कोई भी प्रकार के यानी कि राजनीति में नहीं जुड़े हैं, किसी पोस्ट में नहीं है, किसी पद में नहीं है, तो उस महिला को राजनीति करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे डिफिकल्ट है, उनको तो टिकट ही नहीं देना चाहते हैं। जो महिला अपने पावर यानी कि अपने क्षमता अपने सामाजिक कार्य को लेकर जीत सकती है वैसे महिला को और खास करके नहीं देना चाहते हैं कि उसको कैसे नीचे गिरा कर रखा जाए। तो ऐसे ऐसे हमारी देश की विडंबना है और यहाँ आरक्षण दी गई है लेकिन वो कार्यान्वयन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और हम बहुत सारे महिलाओं को, जैसे हमारी महिला लोग कैसे बाहर आ सकती हैं, तराई की हैं या मधेश की हैं या भारत की महिला आई हैं, उनको नेपाली नहीं बोलने आई नहीं आती है तो उसको किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं, किसी कार्यक्रम में इन्वॉल्व नहीं कराना है, उसको मंच में नहीं जाने देना है, उसको नहीं बोलने देना है, ऐसे सोच को हम लोग बदलना चाहते हैं और लगभग हम लोग परिवर्तन किए हैं। अभी जो हमारी इस हम खास करके महिला एक डिप्टी मेयर में जीते हैं लेकिन वहां पर हरेक जो महिला के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने की कार्य है वो कैसे किया जाएगा कहकर हम अपने मेयर साहब से लड़ते भी हैं। और हम अपने जो महिलाएं के लिए सबसे पहले तो हम आज लगभग 14-15 वर्ष से एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होती है उसको प्रत्येक साल में अपने नेतृत्व में यानी अपने चेयरपर्सन के रूप में आयोजना करके और बहुत सारे हजार 2000 महिलाओं को घर से निकालकर महिला को सशक्तिकरण करने के हिसाब से, क्षमता विकास करने के हिसाब से महिलाओं को निकालते हैं। उस जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होती है उसको हम लोग इतना भव्य रूप में आयोजना करते हैं कि महिला को एक अवसर मिलता है बाहर आने के लिए कि कैसे हम लोग घर से, जबकि महिला लोग घर से निकलती भी नहीं है, जब बाहर आती है तो घर का पुरुष लोग हम लोग को कॉल करना शुरू कर देते थे कि अरे क्या है आप लोग, ये महिला अधिकार कर्मी बनी है, महिलाओं को घर से निकाल दी, आज वो बाहर निकल गई, कल हमारी बात नहीं मानेगी, कल हमारा कोई डिसीजन नहीं मानेगी, इतना थरकाते थे यानी कि हमारे भाषा में कहा जाए तो हमें धमकाते थे लोग। तो इतना करने के बाद भी हम लोग नहीं पीछे हटे, उसके बाद हम अभियान शुरू किए कि महिला को आखिर तो कुछ ना कुछ करना है। तो बाल बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए जो हमारी युवती बच्ची हैं, लड़की हैं, बेटियां हैं, उस बेटियां को हम लोग साइकिल दौड़ प्रतियोगिता शुरू कराए कि मधेश की महिला साइकिल कैसे चलाएगी, ये हमारे संस्कार में नहीं है, हमारी संरचना नहीं है कि हाँ मधेश की बेटी और साइकिल चलाए, इसे तो हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो हम क्या किए कि अपने संस्था से साइकिल खरीद कर और इस कार्यक्रम को साइकिल दौड़ प्रतियोगिता शुरू किए जिसमें बच्चियां लोग यानी बेटियां लोग भाग ली और उसमें हार जीत करके लोग अपना हासिल की, पुरस्कार पाई, साइकिल पाई,
उसके बाद हम बेटी सम्मेलन किए, एक पूरे जिला को बेटी को सम्मेलन करके, घर के बेटी कैसे बाहर आएगी, कैसे जो सशक्त होने का उसको वातावरण मिलेगा, तो बेटी सम्मेलन प्रोग्राम हम प्रत्येक साल शुरू किए। और उसके साथ मैं एक फुटबॉल प्रतियोगिता, महिला फुटबॉल प्रतियोगिता, जो महिला लोग फुटबॉल नहीं खेल सकती है, तो एक कार्यक्रम, फिर हम लोग एक फुटबॉल प्रतियोगिता में अपने नगर पालिका में आने के बाद अपने बजट से फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू कराए, महिला क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू कराए। उसके बाद में जो हमारी महिला लोग ये सेल्फ डिफेंस, जो कहीं जाए लेकिन हार कर नहीं आए, जो हमारे यहाँ इतना वास्तव में जेंट्स लोग में, पुरुष लोग में जो गलत आकर्षण बढ़ती है महिला प्रति को, तो महिलाओं लोग को तो नहीं, हम लोग बच्ची लोग को, बेटिया लोग को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हम लोग 15 दिन तक कराए कि हमारी बच्ची लोग अपने आप को सेफ रहें और जहाँ भी वैसा संकट आए वो जीत कर चली जाए। ऐसे हम लोग सारे महिलाएं की सशक्तिकरण के लिए और बेटियां की सशक्तिकरण के लिए हम लोग कार्यक्रम विभिन्न आयोजना किए। और शिक्षा में भी उसी तरह, बेटी नहीं पढ़ सकती है आजकल, हम लोग देखते हैं हमारी बेटी लोग, बेटा से ज्यादा बेटी लोग सुबह में 5 बजे से साइकिल लेकर कॉलेज पहुंचती है, तो इतना खुशी लगता है, इतना खुशी लगता है। कभी कभी जब हम मीटिंग में होते हैं तो मजाक उड़ा देते हैं कि हाँ अब मैडम आ गई, अब खाली महिला की वकालत शुरू करना यहाँ शुरू कर देंगे, इनको तो पुरुष से क्या है, महिला की खाली वकालत करती है। लेकिन मैं यहाँ हमारे जितने श्रोता लोग हैं, सभी हमारे आदरणीय व्यक्तित्व लोग हैं, हम हृदय से कहते हैं कि हम लोग पुरुष और महिला में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं, हम लोग के लिए पुरुष यदि नहीं होंगे तो हम लोग को बढ़ना कठिन होगा, हम लोग उन लोगों को सहयोग से ही आगे बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे। और हमारी समाज की विकास सिर्फ महिला नहीं कर सकती है, जैसे वास्तव में किसी गाड़ी का चक्का जो है बराबर नहीं चल सकती है, तो गाड़ी दो चक्का नहीं होगी, गाड़ी बराबर नहीं चलेगी, उसी तरह सोचते हैं कि हम लोग दोनों हमारे राष्ट्र विकास के लिए, समाज विकास, घर परिवार विकास के लिए दोनों का बराबर होना आवश्यकता है, जरूरी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी समाज में जो हमारे पुरुष व्यक्तित्व लोग हैं उनके साथ साथ हमारी महिलाएं लोग आगे चले और हमारी समाज, घर परिवार, राष्ट्र सबका विकास करें। ये सारे प्रोग्राम हम अभी लगभग नगर पालिका में 3 या 3.5 वर्ष आया हुआ हुआ, इसके अंतराल में बहुत सारे कार्यक्रम महिला और बाल बालिका के लेकर, और ज्येष्ठ नागरिक, जो हमारे ज्येष्ठ नागरिक लोग हैं उन लोगों को लगता है कि सिटीजनशिप जो एक किसी काम के नहीं है, उन लोगों को इनको अब अब तो एक्सपायर लोग हैं, इनको अब तो बस बैठकर खाना है। लेकिन हम लोग क्या किए, जो हमारी एक संस्था है मानव सेवा केंद्र, जिस संस्था में महिला, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तीनों को समेट कर हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, तो ज्येष्ठ नागरिक लोग हैं जो हम लोग सीनियर सिटीजनशिप लोग हैं, उनको इतना अनुभव है लेकिन उनका अनुभव लोग लेना नहीं चाहते हैं, उनको लोग लगता है कि अब वो काम के नहीं है, उनको क्या पूछा जाए, क्यों किसी कार्यक्रम में बुलाया जाए। लेकिन हम लोग अपने संस्था से उन लोगों को बुलाकर और सम्मान के साथ उन लोगों का जो ज्ञान है, उन लोगों का जो अनुभव है हम लोग प्राप्त करते हैं, उन्हीं का जो बहुत सारे ज्ञान हम लोग प्राप्त करके समाज के विकास में आगे हम लोग को सहयोग मिलता है। और एक बात क्या कहना चाहती हूँ कि महिला को पूरी अधिकार मिल जाती है, लेकिन एक हम लोग जो रहने के लिए छत बनाते हैं, तो छत बनाते हैं उसमें रहने के लिए, तो जब तक चारों तरफ से दीवार नहीं होती है तो छत पूर्ण नहीं होती है, जब ऊपर से छत नहीं होता है तो वो घर पूर्ण नहीं होती है, या नीचा यदि चारों तरफ से दीवार है, ऊपर छत है, नीचा गड्ढा है, वो भी हमारा घर पूर्ण नहीं होती है, या तो हमारे खिड़की और गेट जो नहीं है वो भी घर पूर्ण नहीं होती है,
इसीलिए महिलाओं के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ये सारे अधिकार अनिवार्य रूप में जरूरी है। लेकिन यहाँ तो लोग दिया है ना 50% छूट किया है कि अपने अपने घर के कोई भी महिला है उनके नाम में जमीन रजिस्ट्री किया जाए तो 50% छूट। लेकिन उसमें भी हमारे पुरुष वित्तीय तुलों को स्वार्थ है क्योंकि वो सिर्फ कर छूट के कारण अपने महिलाएं या अपने पत्नी के नाम में कराते हैं या अपने घर में जो होता है भाग बंडा होता है उसके कारण कराते हैं। नहीं तो ऐसे हृदय से नहीं चाहते हैं कि अपने पत्नी के नाम से हम कोई जगह जमीन या संपत्ति खरीद करें। तो ऐसे सारी बातें हैं, बहुत सारी विडंबना है, बहुत सारी हम लोग के ऊपर जो कठिनाइयां हैं और ये सारे कठिनाई को तोड़ते और संघर्ष को चीर फाड़ करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष तो करना ही है, जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो जीवन है। कहा जाता है कि हे नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। वास्तव में इन नारी की कहानी पता न कब तक ही आंचल में दूध और आंखों में पानी लेकर चलना हमारे समाज को स्वीकार है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नारी अब झांसी की रानी है, नारी नहीं है, नारी हमारी समाज की बहुत बड़ी ताकत है। नारी अपने लिए नहीं मरती है, नारी अपने घर परिवार के लिए मरती है, अपने समाज के लिए मरती है, अपने राष्ट्र के लिए मरती है। लेकिन नारी के लोग यहाँ दूसरी नजर से देखना जानते हैं। नारी है तू घर में रहो, घूंघट में रहो, घर की गहना है, घर में ही शोभा देगी, तुम्हें बाहर निकलना नहीं अच्छा लगेगा, तुम बाहर के चीज ही नहीं हो, तुम एक वस्तु हो, तुम्हें जहां जैसे रखा जाएगा उस तरह तुम रह सकती हो। बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर भी हम लोग आप जैसे हमारे डॉक्टर गीता मैम जैसे व्यक्तित्व, हमारे सरिता दीदी जो हमारे सरिता गिरी दीदी हैं, उनसे मैं बहुत शिक्षा ली हूँ, उनका सहयोग मुझे बहुत मिला है। उनके साथ आज देखा जाए कितना भेदभाव हो रहा है, जो इतना अच्छा सच्चाई की आवाज उठाने वाली महिला, जो एक सच बोलने वाली महिला, उनके साथ हमारी ही पार्टी में कितना उनके साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। तो देखिए महिला जब आगे बढ़ने वाली होती है, जब महिला कुछ करने वाली है होती है तो उनके साथ अत्याचार बहुत बड़ा होता है। लेकिन हम लोग भी उनके साथ हैं, हम लोग उनको कभी बीच धार में नहीं छोड़ेंगे, वो जो भी आंदोलन में लगेंगी हम लोग सारे महिलाएं, जितने महिलाएं हैं पहाड़ी हो या मधेसी हो, सब महिला उनके साथ हैं। क्योंकि वो जायज बोलती है, राइट बोलती है, राइट बोलने वाले के साथ में हम लोग महिला रहते हैं। महिला कभी नजायज और रॉन्ग जो सड़क रास्ता होता है रास्ता नहीं अपनाती है। ऐसा एक संरचना बना दिया गया है हमारी समाज में, उस संरचना को देखकर घर की अपने श्रीमान भी अपने पत्नी को नीचे ही अपने कुर्सी पर बैठेंगे। अगर श्रीमती नीचे रहेगी तो ठीक है, अगर श्रीमती कुर्सी में बैठी रहेगी, श्रीमान खड़े रहेंगे तो ठीक नहीं। ये तो हमारे सामने कैसे चेयर में बैठ गई, ये बहुत सारे फिल्म्स हैं। ये सारे भेदभाव को दूर कैसे करना है हम लोग लगे हैं। हमारे साथ बहुत सारे हमारी रीता जी, सुनीता जी, हमारी उषा दीदी, उषा दीदी भी बहुत सारी बात बोली है, एकदम राइट बात बोली है, उषा दीदी एकदम राइट बात बोली है कि जब किसी प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं चीफ गेस्ट के रूप में तो वहां तो पुरुष को बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है कि महिला चीफ गेस्ट में बैठेंगी या हम लोग एक सिर्फ अतिथि रहेंगे, वहां नहीं बैठेंगे। लेकिन धीरे धीरे समाज परिवर्तन हो रही है, रूपांतरण हो रही है, क्योंकि जब रूपांतरण नहीं हुआ होता, परिवर्तन नहीं हुआ होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं हुए होते। आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं ये परिवर्तन का ही जड़ है। और हमारे जो भी हो अंदर, हमारे पति हुए या हमारे घर के जो भी पुरुष हुए, समाज के जो भी अंदर उनके मन में जो भी हो, लेकिन आखिर सहयोग तो करते हैं, उन लोगों के ही सहयोग से हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग समाज के सेवा
कर रहे हैं, करना भी बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन अभी हमारी नगर पालिका में जो ये इस COVID-19 के बेल समय में बहुत कठिनाइयां महिलाओं लोग को, अपान महिलाओं को, अपान व्यक्तित्व को, हर एक क्षेत्र में एकदम इतना कठिन, इतना दुख, इतना तकलीफ उठाना पड़ता है, फिर भी मैं अपने मेयर साहब से लड़ाई करती हूँ, झगड़ा करती हूँ कि पहले प्राथमिकता महिलाओं को दिया जाए, गर्भवती महिलाओं को दिया जाए, पहले प्राथमिकता जो हमारी अपांग महिलाओं को दिया जाए, जो ऐसे महिला खड़ा नहीं हो सकती, वो ऐसे महिला कहीं लाइन में नहीं लग सकती है, तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता दिया जाए, और जो भी सुविधा आता है, राशन होता है या राशन बाइक, जो भी हम लोग को देने वाला सामान होता है, सबसे पहले हम लोग, हम खास करके महिला के नाते महिला को मैं प्राथमिकता देती हूँ कि उनको दिया जाए। महिला ऐसे भी कमजोर होती हैं, क्योंकि उनके साथ बच्चे होते हैं, वो एकदम बच्चा को संभालना, घर में सास ससुर को संभालना, घर का सारा काम करना, और आकर किसी खाद्यान्न के लिए या किसी राशन के लिए 2 घंटा लाइन में लगना उनके लिए असंभव है। अपांग महिला नहीं खड़ा हो सकती है, प्रेग्नेंट महिला नहीं खड़ा हो सकती है, बहुत सारी समस्या है, और समस्या समाधान तो जहाँ समस्या है वहां समाधान भी है, हम लोग कर रहे हैं और सशक्तिकरण करने के लिए लगे हैं, लेकिन हमारी कोई एक प्रस्तोता बोली है कि उप मेयर यानी कि डिप्टी मेयर में महिला जीती हैं, लेकिन उनके ऊपर वो तो एक न्यायाधीश के रूप में है, न्यायाधीश के उनको जुडिशियल जो पार्ट है उनको पूर्ण रूप में दिया गया है अधिकार कि जितना मुद्दा मामला आता है उसको आपको डिसीजन करना है, कैसे करना है और कैसे फैसला करना है, कैसे मेल मिलाप कराना है, फिर भी ये सारे कराते हुए, सारे कराने के सक्षम होते हुए भी अपना ऊपर अन्याय होता है, क्योंकि महिला है। मेयर साहब कहते हैं ये आप हमारे से दर्जा आपका नीचे है तो आप नीचे रहिए, आप हमसे कोई आगे का डिसीजन नहीं लीजिए, तो वास्तव में हम लोग दूसरे को न्याय तो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन खुद अपने आप पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, किसी सेवा सुविधा में भी संलग्नता नहीं कराई जाती है, किसी डिसीजन में जैसे हमारी जो नगर सभा होती है, नगर सभा में जाइए और जो आपका वहां पर बैठिए और जो मिलेगा आपको पेपर डॉक्यूमेंट आप पढ़कर सुना दीजिए, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, कितना बजट कहाँ खर्च करना है आप नहीं कर सकती हैं। मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। हम लोग मुश्किल को चीर कर, फाड़ कर, तोड़ कर, मोड़ कर हम लोग सामना करते हुए अपने समाज को विकास में लगे हैं, और जो अभी हमारी देश की नेपाल की महिलाएं अभी डिप्टी मेयर में हैं, हमें पूरा विश्वास है कि अगले चुनाव में, अगले इलेक्शन में ये सारी डिप्टी मेयर मेयर बनकर दिखाएगी। इसके बाद में फिर आपका जो ये वेबिनार कीजिएगा उसमें आपको पता लगेगा कि अभी जो 7 महिलाएं मेयर में जीती हैं, अगले इलेक्शन के बाद आपको 7 पुरुष रहेंगे मेयर में, और जो 424 उप मेयर में महिला है डिप्टी मेयर में वो महिला रहेंगी मेयर। इतना हम लोग में विश्वास है, आशा है, और अपने काम प्रति के जो जनता जनता कभी नहीं कहती है, कहते हैं जनता की हाँ उप मेयर यानी डिप्टी मेयर गलत है, डिप्टी मेयर के तो अधिकार मिला है लेकिन उसको करने नहीं देता है मेयर। इसलिए हमें लगता है कि सारे ये समाज के जो हमारे जनता है, जनार्दन है, जो हमारे भगवान है, वो सही मूल्यांकन करके सारे महिलाओं को ईमानदारी पूर्वक वोट देंगे और मेयर में जिताएंगे, हमें पूर्ण रूप में विश्वास है। और ये सारे जी और था तो बहुत सारी पीड़ा, दुख, तकलीफ, लेकिन समय के अभाव के कारण हम लोग भी एकदम समय का ख्याल करते हुए, अब 20 मिनट का समय दिया गया था, हम लोग तो बस वही समाज में काम करने वाले 20 घंटा लगातार बोलते जाए तो भी हम लोग के लिए कम है। इसलिए आप सभी आयोजक वर्ग को मैं कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हम लोग को इस प्रोग्राम में,
हम लोग को आमंत्रित किए और हिम्मत बढ़ाई, इसलिए आप लोगों को फिर हृदय से मैं अपने गौर नगर पालिका के तरफ से, मैं अपने व्यक्तिगत तरफ से, और जो मैं अभियान शुरू किए हैं मानव सेवा केंद्र, जो मानव को सेवा के लिए, महिला और बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक के सेवा के लिए, सभी के तरफ संपूर्ण टीम को और हमारे श्रोता लोग को कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार करते हैं। अपना शब्द को यही विराम देते हैं। शुक्रिया किरण मैडम, आपने इतना अच्छा बोला है कि अब मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं बचे। आपने ये जो दो शब्द बोल दिए कि आंचल में धूल और आंखों में आंसू ही महिला को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बोल के बाद आपने बता दिया कि औरत कितनी भी कमजोर हो, इमोशंस हो, लेकिन उसी में ताकत है, वही लड़ेगी, वही आगे समाज को बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस विभा कुमारी ठाकुर, शी इज अ सेंट्रल कमिटी मेंबर ऑफ राजपा जेएसपी थेगामा धनुषा जनकपुर नेपाल। विभा जी, आपके पास भी 20 मिनट का टाइम है। जी, सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है, लेकिन आपका शक्ल ठीक से नहीं आ रहा। आप थोड़ा सा कैमरा को नीचे कीजिए। हाँ जी, नमस्कार। सभी लोगों में नमस्कार। आज बड़ी खुशी हुई जो हम लोगों को ये अवसर मिला। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, जो मैं भारत की बेटी हूँ, अंगीकृत नागरिक बन के यहाँ रह रही हूँ। एक तो मधेसी महिला, दूसरी बात महिला, तीसरी अंगीकृत महिला, तीनों ही अवगुण ही अवगुणम में है। और नेपाल में 1994 से मेरा राजनीति कैरियर शुरू हुआ। जब मैं यहाँ आई और मधेशियों का जो शोषण उत्पीड़न जो देखे, तो नेपाली महिला पहाड़ी नेपाल मधेसी महिला घर से नहीं निकल रही थी, तो हम हिम्मत करके निकले। मुजफ्फरपुर चेयरमैन में एमडीडीएम कॉलेज में मैं पढ़ रही थी उस टाइम में। वो पढ़ाई छोड़ के सर्टिफिकेट को आग में जला के और राजनीति में कूद पड़ी। लेकिन यहाँ आने के बाद मधेश मूवमेंट में जो लगे, उसके बाद गांव-गांव जाके महिला को जागरण करना, महिला को उठाना, हर बात को समझाते समझाते यहाँ तक तो आ गए। लेकिन जब अवसर मिलता है उस टाइम में क्या हो जाता है, आर्थिक आधार पर, जातिवाद के आधार पर और नातावाद के आधार पर लोगों को लिया जाता है। और दूसरी बात क्या है, उन पहाड़ी शासकों से तो हम लोग दुखी हैं ही, लेकिन एक अंगीकृत वंशज नागरिकता से भी हम लोग को दुख है, क्योंकि अंगीकृत महिला क्यों आगे बढ़ रही है। लेकिन है क्या, तो अंगीकृत महिला लोकतंत्र में जन्मी हुई लड़की है, उसको लोकतंत्र का पूरा अभ्यास है, वो सक्षम है देश चलाने में, राष्ट्र चलाने में, परिवार चलाने में। लेकिन यहाँ आके क्या हो जाता है, हम लोग के साथ भेदभाव होता है। फिर भी हम लोग किसी भी तरह यहाँ तक तो पहुंचे हैं। मेरा कहना है, देखिए 94 के बाद और अभी तक में महिला बहुत आगे आई है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन वहां पे पहुंचता कौन है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। नीति निर्माण में जहां उस महिलाओं को होना चाहिए जिसके पास अनुभव है, जिसके पास योग्यता है, वो महिला नहीं पहुंच के बड़े घर की बेटियां व्यापारीकरण राजनीति में हो गया है, या नहीं तो पत्नी, या नहीं तो बेटी दामाद, ये लोग उस सीट पे आ जाते हैं। तो महिला को कभी ऐसी महिला जिसे किसी के बारे में दुख सुख का पता ही नहीं है, तो ये इशू बदलेगा मेरे समझ में नहीं लग रहा है। टाइम लगेगा लेकिन होगा। दूसरी बात क्या है, पहले जब हम लोगों की शादी हुई 44 में, तो उस टाइम में ये नहीं था जो भारत की बेटियां वहां जाके 7 इंतजार करेगी, सभी सुविधा उसे प्राप्त था। इवन अंतरिम संविधान अच्छा ही था 2062 का। हुआ क्या, अचानक संविधान में सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये COVID-19 में 7 वाला कहां ना कहां से आ गया। और हमारी महिलाएं जो खसबादी हैं, पहाड़ी मूल की हैं और हम मधेसी मूल की हैं, 62-63 के आंदोलन में जब राजतंत्र खत्म हुआ, तो एक अंतर पार्टी महिला संजाल का गठन हुआ।
जिसमें सभी पार्टियों की महिला एकजुट हुई और ये संस्था का निर्माण हुआ। तो हुआ क्या, जो महिला पीड़ित है तो महिला के लिए आवाज उठाया जाएगा, लेकिन खसवादी महिला क्या हो गई, जब उन लोगों का इशू आता है तो महिलावादी बन जाती है, और जब हम लोग का इशू आ जाता है तो भारतीय चेली कह के पुकारने लगती है। जो कि अभी फिलहाल आप सरिता मैडम के साथ जो हुआ, माननीय रह चुकी मैडम के साथ, उनका जीवन 46 साल से अभी तक आंदोलन में बीत गया, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ और जो जो महिला ऐसे बोलती है, प्रश्न बकता है, उसको पीछे रखा जाता है। क्योंकि हाँ मैन, यस मैन गुलदस्ता बन के रहने वाली महिलाओं को तो आगे बढ़ाया जाता है, और विधान के अनुकूल चढ़ने वाली महिलाओं को अगर एस मैन नहीं बने तो मेरे जैसा हाल होता है। जैसे कि समानुपातिक में हमको 7 दिन के लिए माननीय बन चुके और फिर ले लिया गया। बताइए इसी दिन के अगर वो हमको सम्मान नहीं दे सका तो अपमान देने की तो कोई राइट नहीं थी क्या? तो ऐसी सब बहुत विडंबनाएं हैं। और हम लोग का चाहना क्या था, अगर महिला आर्थिक रूप से कमजोर है तो क्षेत्र निर्धारण कर दिया जाए, जो इसमें महिले को फाइट करना पड़े, तो एक महिला तो आएगी जो नीति निर्माण में रहेगी। कम से कम नीति निर्माण के जगह पे हम लोग का पहुंच नहीं होना हम लोग के साथ आगे नहीं बढ़ने का अभिशाप बना हुआ है। और क्या कहें, बहुत सारी प्रॉब्लम है मधेसी महिलाओं को, खास के अपने रूढ़िवादी सोच, अपने संस्कृति को देखते हुए भी आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ जातिवाद का जो है, जो उसके जाति का अगर हम नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम बहुत ज्यादा पैसा दे के सक्षम नहीं है तो नहीं जा पाएंगे। जो महिला राजनीति में घुस गई पैसा कहाँ से कमाएगी बताइए, उसके पास तो संपत्ति नहीं होगा। और पुरुष प्रधान देश में संपत्ति अगर महिला के नाम पे भी है तो उसका अधिकार उस पे है, तो वहां पे जाके महिला बहुत कमजोर हो जाती है। और आप लोग मैडम, आपको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आज इसमें बुला के मेरी मनोबल को ऊंचा उठाई। और शायद लगता है जो एक दो बार हम आप लोगों के साथ मिले तो मेरा हौसला बढ़ेगा। और आपके थ्रू वहां के प्रधानमंत्री को भी मैं कहना चाहती हूँ, या तो आप बेटी रोटी का संबंध नेपाल से रखते हैं तो अपने बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें, उसका अधिकार दिलवाएं, मतलब समझौता के द्वारा, या नहीं तो ये रिश्ता बंद कीजिए। क्योंकि ये रिश्ता हम लोगों को, हम लोग के सोसाइटी में कहता है बेटी डोली लेके जाती है और थी वही निकलता है। हम लोग अभी न घर के न और घाट के बन के रह गए हैं, हम लोग का जीवन एकदम नर्क बन चुका है। जबकि पढ़ाई के लिए हम अपने बेटा बेटी को इंडिया में पढ़ाते हैं, कोई सस्ता सामान होता है तो इंडिया से लाते हैं, और भारत से जो सामान भी मिलता है वो खसवादिये के लिए जाता है। एम्बेसी है उसमें खसवादिये की महिला, पहाड़ी की ही महिला के बाल बच्चे लोग पढ़ते हैं, और अंगीकृत महिला एकदम एक मूक दर्शन, एक गुड़िया के तरह, मोम की गुड़िया के तरह बन के रह गई है और अधिकार विहीन हो गई है। इसके लिए भी आप लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन भी हो सकती हूँ। और इस नर्क से निकालने का प्रयास आप भारत के सरकारों से करें, और शायद हम लोग से भी बातचीत करवाएं, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन वहां पे उनका मिलना किससे हो जाता है, डायरेक्ट दिल्ली टू काठमांडू, जनकपुर से कोई नहीं, मधेस से नहीं। तो मधेसी महिला अपनी गाथा व्यथा किसको सुनाए, कहाँ जाए। आज एक मैडम बोल रही थी, नर्मदा मैडम, जो पहाड़ी और मधेसी महिलाओं को मिलकर चलना चाहिए। कैसे, आप अंतर पार्टी महिला संजाल का तो गठन की, वहां हम लोग के लिए क्या आवाज उठाई। आज आप संसद में हैं, ये नागरिकता विधेयक पे आप महिला हैं, महिला के समान अधिकार के लिए आप क्यों नहीं बोली, वहां क्यों चुप थी। आप भी तो महिला है, 33% महिला संसद में गई हुई है। जब आप यहाँ पे दो वर्ग है, एक महिला और एक पुरुष, जब महिला ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, महिला का सीट लेते हैं, तो समान अधिकार के लिए आपको वहां बोलना पड़ेगा क्या? तो आप नहीं बोल रही हैं, इसका मतलब है जो आप मधेसी महिला के साथ विभेद कर रही हैं।
तो यही बात आप लोगों से मेरा कहना था, और क्या कहूं। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विभा जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, बहुत अच्छी बातें उठाई हैं कि जब हम हिंदुस्तान से डोली लेकर मधेश पहुंच जाते हैं तो अब ना हम हिंदुस्तान के रहते हैं ना नेपाल के रहते हैं, और अगर नेपाल में हमारे को वो समाज में अपना राइट नहीं मिलता है, इक्वालिटी नहीं मिलती है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जो कि आप बोल रहे हैं भेदभाव की भावना हो रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि ये भेदभाव जो मुद्दा आप बोल रहे हैं कि पहाड़ियों के बीच में अगर वुमेन का कुछ होता है तो वुमेन राइट्स का इशू बन जाता है, और मधेसियों के साथ कुछ गलत होता है तो वो बोलते हैं कि आप इंडिया कौन है, आप इंडिया से आए हैं। ये एक बात जो है नेपाल में नहीं होनी चाहिए। मेरे को भी ऐसा लगा है कि कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि जब पहाड़ियों की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि ये पहाड़ अलग है, मधेश अलग है। ये भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि आप पहाड़ से हैं या मधेश से हैं। प्रश्न ये होना चाहिए कि आप एक औरत हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, और मैं नेपाली हूँ, राष्ट्रीयता मुझ में भी है, ये होना चाहिए। आप नेपाली हैं, लेकिन ये नहीं हो कि हमको यूपी बिहारी कहा जाता है। हाँ, ये कहाँ की बात है। ये सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं, कई आदमियों के साथ भी ये चीज रही जाती है कि आप लोग कहाँ से हैं, आप नेपाल के हैं या नहीं है, और अगर अगर आप बाहर से आके उनके अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नया आप बता रहे हैं कि उसमें भेदभाव हो गया है, 7 साल की बात आ गई है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि 7 साल तक आपको अगर नागरिकता नहीं मिलती है तो आप किस तरीके से वहां पे रहते हैं, क्या राइट्स आपके रहते हैं, क्या आप इंडिपेंडेंटली कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके पास फिर आएंगे कुछ क्वेश्चंस लेकर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं देखना चाहती हूँ ये मोनिका सिंह ने ज्वाइन किया है क्या। मोनिका जी आप हैं यहाँ पे। हेलो मोनिका जी हैं क्या। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है, वो बोल तो रही है कि ज्वाइन किया हुआ है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। कलाती कैन यू सी, कैन यू आइडेंटिफाई इफ मोनिका हैज जॉइंड। सॉरी आई कांट हियर यू, व्हाट। मैम अभी दो एंटर आ रहा है मैम। मोनिका सिंह अभी तक नहीं आया मैम। She's saying she's already joined, but I can't see her. ये अभी आ गया मैम। भाई VIBE, the ID name is VIBE मैम। K5 note. अभी अभी मैडम का वो फेस दिखा रहा मैम। मैडम मोनिका मैम। अभी what is her ID? VIBE K. अच्छा ओके। VIBE K5 note. Fine. अभी आ गया मैम, आ गया। Okay, so our next speaker is Miss Monica Singh. Monica Singh is a lecturer and central member of the People's Socialist Party of Nepal. Her title of the presentation is Women's Political Consciousness Rising in Nepal. Over to you, Miss Monica. But I can't see her audio. Aapka audio nahi chal raha hai, Monica ji. We can't hear you. Your audio is not audible. अभी आ गया मैं। अभी आ गया। अभी तो unmute कर दिया। वो unmute तो कर दिया, but she's not. Her voice is not audible. Yes, ma'am. Monica ma'am, आपका आवाज नहीं आ रहा है ma'am. हेलो
Monica, we can't hear you. Please check your audio. Monica, ma'am. Yes, sir. Yes, now we can. अभी आवाज आ रही. You are listening. Yeah, we are listening, but you have to speak a little loudly. Okay. Now can I start? Yes, yes. Please continue. Okay. Thank you very much. I would like to thank the organizers and Dr. Sushilman for providing me the platform. I'm really very grateful. Thank you very much. If I am asked to say political and social life of women in Nepal, I'd like to say. Sorry, you have to speak a little more loudly. Your voice is not audible properly. You have to speak a little loudly. Okay. But I'm listening to you very nicely. Okay, fine. If I am asked to say political and social life of women in Nepal, I would like to say in one sentence, women's political and social consciousness and status are rising in Nepal. My whole presentation is focusing on the six questions given. The first question is the society redefining the role of women in Nepal? Of course. Roles of women are redefining. Women are holding the post of the head of state and constitutional body. The good example are the President Vidya Devi Bhandari, Chief Justice Sushila Parthi, as Chief Justice, she was. As a former speaker in Sari Bharti's mother, these are the good examples. 33% presence of women in lower house and 37% in the upper house are also justifying my test. There are beautiful presence of women at province and local level, which becoming gradually meaningful and empowered. They are playing a very significant role in the society and exercising their rights and power. I don't deny their struggle, but getting improved and exercising their power very nicely. In public service sector, the number of presence of women is increasing due to reservation devices. The right of presentation given in the constituent is exercising, and gradually presence of women are increasing and women are being empowered in different sectors of Nepal. In province 2, there are given 50% representation for women in different sectors of administration, which are about to exercise. In school and colleges, numbers of girls are increasing, even in technical fields. On the stage of any social program, we can see the presence of women in meaningful ways. Now, the second exception are the choice of acceptance and rejection due to women. In this case, we want to say independent women are free to choose whether the women who are dependent on their family or not. Now, the third question is there a
serious lack of representation of women in decision making, but yes, this is a big problem in Nepal. This is the major problem in Nepal. It starts from political parties. Even in political parties, there are no citizens. That we can say it is significant. So it starts from there, and this is seen at different levels and different sectors. So now come to the section 4. How does the moral ethics and behavior of the society reflect in contemporary times? Nowadays, women are not considered as only a housewife in Nepalese society. Women may be the provider of the family. Women may be the administrator and leader of the society. And these things are exercises. And we can say that the status in the society increasing day by day in different sectors. And even the thought of the human being or the society is changing. What now, fifth number section, what happens to women who are bold and courageous to take a step contrary to the established system in place? They have to face different challenges. Sometimes the condition is very poor, very bad. So it also depends on environment. The bold decision, courageous decision are appreciated in educated families, educated society, but not in uneducated or in middle class society. So we can say that it's a state for the society. Differences are not accepted. Actually, if there is no differences, no positive things happen, society will not change. But at the initial stage, differences are not accepted. They have to face so many challenges. So now the last question was there. Are there issues of caste, region, and religion that differentiate between the space and rights of women enjoying in Nepal? Of course, privileged, educated, urban majority, upper class women enjoy the space and rights more than others. But Dalit women, marginalized women, women of far eastern area, women of Madesh. So many things are there that prove the women from the certain field, certain caste, certain religion, certain region enjoy their space and rights more than others. And one thing was there, ultra-nationalism, how affects the women? Especially ultra-nationalism affects the rights of women, of those women who are from another country and have come to Nepal. Nepal, American, men or women. And especially the women are not provided citizenship. Because of
the ultra nationalist thought, you can say that. And for that, they have to suffer in different area, different field. They can't open account in the bank, participate in different competition for services, can't vote, can't be the member of any political party and other organizations. This type of problem they have to face. So it is a big problem. Another is social media abuse. How women are treated on social media. In my research, there are some facts I have got. In violence case, women violence case, media helps to raise the voice against the violence. And it helps. But some cases, people attack on the women abusively. But in some cases, it is saying that women are using social media to seduce and blackmail successful men, and when exposed, they blame on men. And name it as violence. That sector also I have found. In this sector, this point also I have found. So when we conclude the whole scenario and the answer of your question, then we can say that even of Nepal in political and social sector, rising day by day. When we compare to the world, then we will find that there are about 200 countries in this world where only one dozen women holding the first position in the space out of that Nepal is also one. In the field of representation in the parliament, on the average, 25% women are present in parliament in the world. But in the case of Nepal, there are 33% women. In Minister, there is a little bit shortage in Nepal. And if ministry are provided to women, those ministry only provided which are considered as low profile ministry, not the ministry who play the nice role in the society. So, of course, women are struggling to get meaningful space and political sphere in the political sphere in the society. But when we compare this, the present status of women of Nepal in the political sphere, in the social sphere, from the previous days, previous 30 years, then we can say that it is developing, it is rising, it is increasing. I'm done. Thank you very much. Thank you, Monica ji. It was really interesting to, you know, that you have covered almost all the range of it, that yes, there are discrimination in terms of caste, there is discrimination in terms of region, religion, these are the pertinent issues. And if you really want to see development,
आई थिंक वी नीड टू नॉट जस्ट एम्पावर देम, एजुकेट द वुमेन, देर हैज टू बी अ सेंस ऑफ यू नो गिविंग इक्वालिटी टू द वुमेन. And that equality should not be in what others have also talked about, in just in terms of reservations as a post, but also empowering them in terms of knowledge, which is where, you know, things will move in further. Thank you very much for this great presentation. And now we move to our next speaker. She's Miss Meenu Kumari Thakur. She's the central member of Tarai Madhes Loktantrik Party. She recently joined the Rashtriya Janata Party. She has a Master's of Arts degree in Political Science and Bachelor's degree in Humanities and Social Sciences. Over to you, Meenu ji. Hello. Hello. Yes, Meenu ji. Yeah. Dekh pa rahe hain? हाँ जी, हाँ जी, देख पा रहे हैं आप थोड़ा सा. सर, प्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार. इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए मैडम गीता कुसुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. आज मेरा टॉपिक है नेपाली समाज में महिलाओं का अवस्था, राजनीतिक और सामाजिक अवस्था के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ. नेपाली समाज में महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मुद्दों पे चाहे जितना भी चर्चा हर जगह किया जाए, लेकिन बस एक यह चर्चा में ही सीमित है, मुद्दा बन के रह जाता है. वास्तविक रूप में यह व्यवहारिक व्यवहार में लागू नहीं किया जाता है. हमारे समाज में पुरुष प्रधान सोच अभी तक हावी है, जिसके कारण महिलाओं को हमेशा पुरुष के मुकाबले कमजोर ही माना जाता है. प्रतिष्ठात्मक सोच के कारण, परंपरागत दर्शन से अभिप्रेरित और संचालित होने के कारण महिलाओं का सामाजिक स्तर दिन से दिन और भी ज्यादा नाजुक होती जा रही है. हर एक जगह महिलाएं शारीरिक, मानसिक रूप से यातना और यातना का शिकार होती जा रही है. खास करके मैं नेपाल के तराई भाग से बिलोंग करती हूँ. तराई में खास करके दहेज प्रथा के कारण भी महिला बहुत ज्यादा अपमानित और पीड़ित है. इस सब का मेन कारण है शिक्षा, शिक्षा में कमी. हम महिलाओं शिक्षा में बहुत ज्यादा कमी पाई गई है. शिक्षा का डाटा देखा जाए तो 2009 साल में बस 110 महिला ही साक्षर मिल पाई है नेपाल में. उसके बाद 2018 साल में केवल 2% महिला ही साक्षर बन पाई है. इसी तरह 2030 साल तक केवल 5% महिला साक्षर दर देखा गया. 2068 तक के जनगणना हिसाब से महिला का साक्षरता दर केवल 45% के हाराहारी में पहुंच पाई है. सॉरी, 57.4% के हाराहारी में पहुंच पाई है. अभी भी स्थिति ऐसा देखा जाता है कि कई जगहों पर हमारे मध्य में कई जगहों पर केवल बेटी होने के कारण ही वो स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाती है. बेटियों को बहुत ज्यादा जिम्मेवारी होती है, घर का काम काज संभालना है. इस सब के कारण बेटियों को स्कूल भी नहीं भेजा जाता है. इससे जरूरी है लैंगिक समानता के आधार पर असमानता ज्यादा होने के कारण भी हमारे मध्य में महिलाएं ज्यादा पीड़ित हैं. समाज में होते अपराध भी एक महिला को जगह पर पहुंचने का जगह पर पहुंचने का बाधक देखा जाता है. राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कुछ राजनीतिक भी चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि पार्टी से बिलोंग करती हूँ. कुछ राजनीतिक इतिहास भी मैं बताना चाहूंगी. राजनीतिक रूप में देखा जाए तो 2007 साल से पहले महिला की बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं करती थी राजनीति में, बिल्कुल 0% ही था. 2007 साल के बाद राणा विरोध आंदोलन में महिला विभिन्न संस्था विभिन्न संघ संगठन से आबद्ध होके राजनीति में कुछ प्रतिशत महिला आगे आई है. उसके बाद 2017 साल में एक महिला द्वारिका देवी ठकुराइन बोल के पहली महिला राज्य मंत्री बन पाई सरकार में 2017 साल में. उसके बाद 2047 साल के जन आंदोलन में बहुदलीय प्रजातंत्र स्थापित होने के बाद भी
बावजूद भी महिलाओं का सकारात्मक उपस्थिति नहीं देखा गया। 1962-63 में जाके जन आंदोलन के बाद जो संविधान का निर्माण हुआ नेपाल में, उस संविधान में ही आके राजनीतिक दलों में कम से कम 33% महिलाओं का व्यवस्था किया गया। उसके बाद से महिलाओं की उपस्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलता है, फिर भी यह संख्यात्मक रूप में ही है, संख्यात्मक रूप में सुधार देखने को मिलता है। राजनीतिक दल उनका नेतृत्व को विद्यमान नेतृत्व में विद्यमान प्रतिष्ठात्मक सोच के कारण महिला को क्षमतावान नहीं देख पा रही है। अभी भी निर्णायक सभाओं में प्रमुख कार्यकारी पद महिलाओं को नहीं मिल पाता है। जहां तक आंदोलन की भी बात करें, आंदोलन में जहां तक महिला का त्याग सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो आंदोलन में शहीद हुए लोगों के रूप से देखा जाए, माँ बहन बेटी के रूप से देखा जाए, तो भी महिला ज्यादा पीड़ित है। उस हिसाब से जितना पीड़ित होती है महिला, उस हिसाब से उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। कुछ मैं लाइन यहाँ पे रखना चाहूंगी, इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। उस हिसाब से महिला में अगर ये लागू किया जाए तो कुछ हद तक हम लोग का स्थिति में सुधार हो सकता है। जैसे कि जनसंख्या के हिसाब से महिलाएं अधिक होने के कारण, जनसंख्या के हिसाब से महिला नेपाल में लगभग 51.6% है, आधा से ज्यादा। उस हिसाब से उपलब्धि के टाइम में भी महिला का उतना भागीदारी होना चाहिए, उपस्थिति होना चाहिए। महिला को समान अनुभूति चाहिए, समान अनुभूति चाहिए महिलाओं को। लैंगिक समानता चाहिए महिलाओं को। शिक्षा वितरण में समानता होनी चाहिए। रोजगार के अवसर में और वेतन में भी समानता मिलनी चाहिए। इसी कई बातों पर ध्यान दिया जाए तो समाज में महिला पुरुष से पीछे नहीं रह पाएगी। इसके अलावा महिलाओं को सशक्तिकरण का अभियान में संचालन करना जरूरी है, जिससे कि मौजूदा स्थिति में बात किया जाए तो जिससे कि महिला सशक्तिकरण होने के बाद महिला इतनी मजबूत बन पाएगी कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सके। लेकिन यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि अभी तक वो अपना जिंदगी का फैसला खुद नहीं ले पाती है। यहाँ तक कि महिला द्वारा चुनाव जीतने के बाद भी, अगर महिला निर्वाचित है चुनाव जीत पाती है तब भी वो निर्णय नहीं ले पाती, उसके आगे जो है प्रमुख जो निर्णय करेंगे उसी को उनको मानना पड़ेगा। इस बात से लड़ने के लिए भी महिला को सशक्त होना ज्यादा जरूरी है। महिला मजबूत है बनेगी तभी हमको इस जिंदगी में कोई अपना सुरक्षा का संरक्षण का आनंद ले पाएंगे, जिससे उन्हें काम सुरक्षित होने के बाद काम करने सुरक्षित वातावरण मिल पाएगा। अगर ऐसा होता है तो शोषण और उत्पीड़न से भी हम लड़ पाएंगे। महिलाओं के लिए कानून में भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अधिकार मांगना नहीं पड़े। अधिकार को मांगने की चीज नहीं है जो हम मांगेंगे, इसके लिए कानून में ही व्यवस्था किया जाएगा तब हम सुरक्षित हो पाएंगे। जहां तक राजनीतिक सवाल है, राजनीतिक में महिला को भी बहुत असुरक्षित है। सोशल सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो इतना ज्यादा जिम्मेवारी महिलाओं को भी होती है, घर संभालना है, समाज को देखना है, परिवार संभालना है, इतना सब कुछ झेलने के बाद महिला राजनीति में आती है। उससे पुरुष से कहीं ज्यादा योगदान महिलाओं का होता है उसमें। लेकिन जब उपलब्धि का टाइम होता है सारा उपलब्धि पुरुष लोग ले जाते हैं, महिला बस कुछ गिनी चुनी महिला वो भी अपने ही घर परिवार नातावाद कृपावाद उसमें सीमित होकर रह जाती है। इस सबसे महिला, जैसे कि इससे पहले भी विभा दीदी बोली है, कुछ किरण दीदी भी बोल चुकी है इस बारे में, महिला को समान अनुभूति चाहिए। हर एक सेक्टर में, हर एक तबके में महिला को समानता का व्यवहार होना चाहिए, तभी जाके हम सशक्त बन पाएंगे। बस इतना कहना चाहेंगे, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी, आपने बहुत अच्छी बातों को उठाया है कि एक तो हम लोगों को समाज में पढ़ाने की जरूरत है, जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, हम लोग सोच पाएंगे कि हमें अपना डिसीजन कैसे लेना है। तो पढ़ाई एक सबसे पहला मुद्दा है जिससे एक आपको आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको ये पता चलेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो रिजर्वेशन अभी बढ़ा है
ये बात बहुत अच्छी हो रही है कि नेपाल में कई तरह का रिजर्वेशन बढ़ गया है, वुमेन के लिए स्पेसेस बना दिए गए हैं, लेकिन वो स्पेसेस कितने उनके लिए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो अपना डिसीजन फिर नहीं ले पाती हैं तो वो स्पेस होने के बावजूद भी उसका कोई मायने नहीं रहता है। और जैसे आप बोले कि ये एक डबल बर्डन हो जाता है कि उनको काम भी करना है या पॉलिटिक्स में भी आना है, घर की भी एक जिम्मेवारी है, ये बहुत सारी जिम्मेवारियां जब उन पे आ जाती हैं तो वो कैसे मैनेज करें। मतलब एक औरत के लिए ये जरूर हो जाता है कि आपको ये नहीं कि सिर्फ आप अपना काम पे लग गई हैं, घर को छोड़ दीजिए, बच्चे कौन पालेगा, पति की देखभाल कौन करेगा, उनके बूढ़े माँ बाप को कौन पूछेगा, ये सारे जो मुद्दे हैं ये भी साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं है अगर अगर साथ में जो आपके आदमी है या आपका हस्बैंड है वो इस चीज को नहीं समझ रहा, इतना ही इक्वल शेयर नहीं कर रहा, तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन औरत की है कि आप क्या कर रही हैं, आप अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं पूछ रही हैं, आप अपने करियर में लग गई हैं, बच्चों को कौन देखेगा, बच्चे किस लिए पैदा किए, बच्चे अगर नहीं पैदा किए तो क्यों नहीं पैदा किए, पैदा किए हैं तो उनकी जिम्मेवारी किस पे है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं अगर हम अपने करियर को देखना चाहते हैं। रिजर्वेशन सिर्फ होने से नहीं है, उस रिजर्वेशन के बाद उनको वो कई कामों से उनको मुक्ति दी जाती है या नहीं, समाज में वो एक्सेप्टेंस है कि नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपने नेक्स्ट स्पीकर के पास चलते हैं जिनका नाम ऑनरेबल चमेली दास जी। ऑनरेबल चमेली दास जी इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोविंस नंबर 2 नेपाल, एंड वी आर हाईली प्रिविलेज्ड टू हैव हर फॉर आवर वेबिनार। आई होप शी इज देयर। हेलो, they're not unable to mute. चमेली जी आपका ये अनम्यूट क्या है हमने? हेलो, व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? लेकिन अभी वीडियो नहीं आ रहा उनका। अभी आ गया मैम, अभी वीडियो आ गया मैम, नेक्स्ट पेज में वीडियो आ गया मैम। ठीक है, नमस्ते। हेलो, चमेली जी आपका आवाज बिल्कुल सही आ रहा है, प्लीज बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए, हमारे को सुनाई दे रहा है। हाँ, हम लोग हम अपनी भाषा में बोलते हैं, मैथिली में बोलना से होगा? नहीं, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। मैथिली हर किसी को समझ में नहीं आता। होगा होगा। हमारे हम दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारे नाम चमेली देवी दास है, ये है प्रदेश नंबर 2। महिला के विषय में जहाँ तक अखन नेपाल में महिला के तो समस्या है, उन बहुत सारा समस्या है, पॉलिटिकल में तो समस्या समस्या है। आपको तो लग रहा है हम हिंदी मैथिली थे राजा। देखिए, अब नेपाल में महिला के राजनीति पॉलिटिकल में जब भी आता है तभी बहुत समस्या होता है। अब घर परिवार से भी समस्या है, बच्चा सब छोट छोट रहता है, महिला सबको
सबसे बेसी तो आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, समाज से भी बहुत ही दलित कास्ट को तो बहुत ही की समस्या होता है कि अब दलित कास्ट के है अब राजनीति में जा रहा है ऐसे वैसे बहुत रंग के समस्या आ रहा है नेपाल में इस चीज सब के। अब दलित समुदाय के खास करके समस्या तो सबसे ज्यादा आर्थिक समस्या है, शिक्षा के भी समस्या है महिला सब में, अभी बहुत ही शिक्षा के भी समस्या है, आर्थिक समस्या है, अब बहुत ही समाज से भी दबाव सृजना बहुत आ रहा था। ये अभी हम लोग के तो ये मधेश आंदोलन हुआ है उसके कारण से कुछ कुछ महिला अब निकल पा रहा है अपने कोनो जगह पर है, हम भी वो समानुपाती से मान्य भी है, हमारे पार्टी किछ मधेश आंदोलन हुआ है उसके कारण से किछ बात अपन अपन रख सकते हैं। हिंदी हमारा बढ़िया से हो गई हेलो जी। हाँ जी जी सुना रहा है अच्छा? हाँ सुन रहे सुन रहे सुन रहे सुन रहे हैं। हम लोग तो हिंदी थोड़ा नहीं आते हैं, आप मिला जुला के बोल दीजिए, मुझे थोड़ा मैथिली समझ में आता है, आप थोड़ा मिला जुला के बोल दीजिए। मिला जुला करके क्वेश्चन कहिए ना हमको क्या है, हमारे हमारे तो किसी भी क्वेश्चन भी नहीं पता था इसको। एक सवाल जो हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि आप एक पोजीशन पे आ गई हैं, आपको बहुत मुश्किल भी हुआ लेकिन आप उस सीट पर जाके बैठ गई हैं, तो आपको अब बैठने के बाद किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, कई किस तरह के लोग आपको घर वाले या बाहर वाले किस तरह से देखते हैं या बोलते हैं कि आप तो महिला हैं, आप तो दलित हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, यूं नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए, तो इन सब चीजों को आप कैसे डील करती हैं? वो सब तो थोड़ा बहुत हो रहा है, अब समाज में विभिन्न किस्म के लोग रहता है, सबसे बेसी तो अदर कास्ट में ऐसा हो रहा है कि अब दलित समुदाय को लोग उठ नहीं पाए, फिर भी हमारे जे जिस दिन से 62-63 को आंदोलन जो हुआ उस दिन से हम लोग थोड़ा थोड़ा अपन आवाज अपन बात जगह पर रखने के हिम्मत किया। हम लोग दलित समुदाय से है, हम लोग भी अपना अधिकार के लागी कुछ लड़ना पड़ेगा, कोनो ने कोनो महिला को शहीद होना पड़ेगा, कोनो ने कोनो महिला को खातिर दलित को खातिर तो आपको संघर्ष करने पड़ेगा, बहुत ही संघर्ष करके इस पोजीशन में हम लोग आए, हम लोग संघर्ष करके आए हैं महिला को लागी, हम लोग अधिकार को लागी तो लड़ना पड़ा विभिन्न ठाव में। अब दूसरा आदमी सब बोल रहा है अभी भी कि दलित है क्या करेंगे, लेकिन फिर भी अब किछ करके हम लोग देखाए कि हम लोग बहुत ही वैसा आंदोलन हुआ, महारा आंदोलन, सिनो फाले आंदोलन, क्या क्या हुआ, बहुत कुछ ने करके हम लोग इतना पोजीशन में आए। आपको महिला को अभी दलित को हमारे प्रदेश नंबर 2 में शिक्षा को भी कमी कमजोरी है, बहुत ही शिक्षा में कमजोरी है, हम लोग शिक्षा में भी जोर दे रहा है कि शिक्षा में हम लोग अब कैसे आगाड़ी बढ़िएगा, तो दलित समुदाय को बच्चा महिला कैसे आगाड़ी बढ़िएगा, उसको आर्थिक नहीं होने के कारण से वो भी पछाड़ी है, अब थोड़ा थोड़ा दलित समुदाय को बच्चा सब भी अब परिश्रम से अपना मेहनत करके नाम भी निकाल रहा था, अब पढ़ने में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट उसको भी हो रहा है, अब पढ़ लिख रहा है। और आ गया महिला वाला बात, महिला अभी बहुत पछाड़ी है, महिला को तो समानुपाती में दे दिया और राष्ट्रपति बना दिया नेपाल में, लेकिन निर्णायक तह में महिला को नहीं होने दिया,
निर्णायक तह में जिस पोजीशन में प्रधानमंत्री हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, महिला चला नहीं पाएंगे, उस किस्म के वो भेदभाव तो है महिला के पास, नहीं है ऐसे बात नहीं है। पुरुष मात्र चला सकते हैं, महिला नहीं चला सकते हैं, अवसर दे तो महिला भी कर सकते हैं, वह मंत्री भी महिला चला सकते हैं, मुख्यमंत्री भी महिला चला सकते हैं, प्रधानमंत्री भी महिला चला सकते हैं, अगर अवसर भेटे तो सही हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन उतना महिला को प्रति सरकार व जिम्मेवार नहीं है हमको लग रहा है। एक चीज जो और बहुत अहम है जो कि आती है कि महिलाओं में भी बहुत अंतर होता है, वो सोचते हैं कि जो एलीट हैं या पढ़े लिखे हैं या खास कम्युनिटी के हैं वो लोग ज्यादा पढ़ लिख गए हैं तो वो आराम से अपने बात रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन। लेकिन जैसे ऐसा है वो लोग अब खास है अदर कास्ट के है, पहाड़ी समुदाय के है, तो ब्राह्मण है तो वो अपन बात अपन जगह पर रख सकते हैं। अब दलित समुदाय के उतना ही दूसरे दृष्टि से देख रहा है वो लोग कि ये सब अपना बात नहीं कर पाएंगे, अपना बात नहीं रख सकते हैं, उसके कारण से हम लोग के भी थोड़ा थोड़ा समस्या हो रहा है। एक चीज और जो मुझे पूछनी है कि जैसे कि आप भाषा की वजह से आपको क्या क्या मुसीबत आती है, जैसे अभी भी अभी हम आपको बोले कि मैथिली में नहीं आप हिंदी में बोलिए, ये तो खैर हम लोग इंटरनेशनल कर रहे हैं तो हिंदी हम लोग रखे हैं, लेकिन जब आप नेपाल में ही रहती हैं और अगर आप नेपाली नहीं बोल पाती हैं या नेपाली भाषा उतना अच्छा नहीं आता है तब क्या समस्या आती है आपको? समस्या बहुत सारा आता है, अपनी बात अच्छा ढंग से नहीं रख पाएंगे, उसको बात बुझने में थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नेपाली हम लोग के बोलने में अपठियारो होता है। अब नेपाली संपूर्ण भाषा को प्रॉब्लम, अब मैं नेपाली बुझू थोड़ा, आपको लग रहा है थोड़ा देर के लिए म नेपाली अलिअलि बुझ्छु तर सब भाषा बुझ्दैन, धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ भाषाको लिएर, भाषा भाषागतमै आपको अप्ठ्यारो हुन्छ। तो क्या आप ये मानेंगे कि तराई में या मधेस में भी नेपाली भाषा को प्रमोट करना चाहिए, अपनी लोकल भाषा को नहीं प्रमोट करना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, लोकल भाषा को मातृभाषा हम लोग बोल रहे हैं, मातृभाषा को प्रमोट करना चाहिए हम लोग के, तो मातृभाषा के प्रमोट करना चाहिए, लोकल भाषा के उत्थान करना चाहिए, लोकल भाषा में काम काज होना चाहिए। ये बहुत अच्छा बोले हाँ, शुक्रिया चमेली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पे हमारे साथ रही, अपनी कुछ बातें आपने रखी और हमें बहुत सारे मुद्दों पे आज सुबह से हम बात कर रहे हैं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं सब लोगों से देखना चाहती हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, मैं उनके ऊपर रोशनी डालना चाहती हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दूसरा हमको बोलने को मौका दिया। अब भाषा तो हमको नहीं, हिंदी राम निमन से आ रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, मुझे कुछ कुछ जरूर नेपाली या मैथिली समझ आता है लेकिन फिर भी अच्छा। I just want to put up some questions, ये कुछ लोगों ने बातें रखी हैं, मैं उसको पेश करना चाहती हूँ। I'm quite overwhelmed, ये लिख रहे हैं लखिंदर रे जी, by this kind of presentation for women empowerment and their uniting effort in nation building, but it's unfortunate to see women not supporting women in various aspects, as in the case of Sarita Giri ma'am. Not a single concerned women empowerment organization seemed to oppose the decision of the government and her party itself. Quite shameful act by related authorities. It's time to collaborate with each other and create a better society for every gender. Hope you consider this and act accordingly. Thank you so much for this wonderful presentation. He further says that I know she may have language problem, but she has lots of say against this system. Thank you very much. अब मैं कुछ मुद्दे लोगों से पूछना चाहूंगी। सबसे पहले मैं
किरण ठाकुर जी से पूछना चाहूंगी, अभी वो हमारे साथ ही हैं शायद। किरण ठाकुर जी। जी मैम। जी 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 मैम। किरण ठाकुर जी, मुझे आपसे ये पूछना है, आप ये बहुत अच्छी बातें हमारे सामने लाई हैं कि आप हिंदुस्तान से जब वहां नेपाल में गई हैं उसके बाद आपके हस्बैंड ने आपको बहुत सपोर्ट किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको ना हस्बैंड सपोर्ट करते हैं ना उनकी फैमिली सपोर्ट करती है। जैसे हम सुन रहे हैं कि बहुत सारे डाउरी के केसेस हो रहे हैं, लोगों लड़कियों को मार दिया जाता है डाउरी के नाम पे। तो जहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, जहाँ पे हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरा खुद का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो तब उस समय वो औरत कैसे अपने आप को वहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकती है? उस टाइम पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट अपैरेटस है, वो किस तरह से उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? जी, सबसे बड़ी बात ये आप जो प्रश्न किए हैं बहुत सांदर्भिक है। वास्तव में मैं जो महिला अधिकार कर्मी भी थी और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के अंतर्गत में एक वुमेन महिला सर्विस सेंटर था जिसका मैं चेयरपर्सन भी थी, मैं पुलिस के साथ काम करती, और जो जितनी भी विक्टिम महिला आती थी तो वो सारे महिला की मुद्दाओं को मैं देखती थी के रूप में, और जो एसपी होते थे, एसपी सचिव होते थे और चेयरपर्सन मैं, तो वहाँ अधिकांश मुद्दा जो महिला के ऊपर जो घटी हुई घटना, जो विक्टिम महिला आती थी वो अपने परिवार से जुड़ी हुई, खास करके घरेलू हिंसा के शिकार होती थी। और घरेलू हिंसा में जो आप बोली हैं, वास्तव में हमारे हस्बैंड पढ़े लिखे मेरे हस्बैंड है, और वो अभी के जो सिचुएशन देखकर महिला को आगे बढ़ना चाहिए, और हमें लगभग 1992 में मेरी शादी हुई, मैं 1992 में नेपाल के डिस्ट्रिक्ट चंपारण से, भारत के डिस्ट्रिक्ट चंपारण से नेपाल आई, और लगभग मैं 10 वर्ष तक घर में ही थी, क्योंकि घर से निकलना, घर से झांकना अलाउ नहीं था। उसके बाद में मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं, ये महिला पढ़ी लिखी है, कुछ कर सकती है, ये समाज अभियान में लग सकती है, तो उन्होंने मुझे नेपाली बोलने को बोले, और नेपाली में न्यूज देखती थी लेकिन समझ में नहीं आता था, नेपाली इतना डिफिकल्ट था, लगता था कि ये लोग क्या बनावटी कुछ ऐसे ही रिक्स कर रहे हैं। फिर भी मैं नेपाल में रहकर नेपाली भाषा को सीखकर काम जब करना शुरू किए, तो महिला विक्टिम लोग आती थी, तो वास्तव में यही जो आपका प्रश्न है, यही अधिकांश मुद्दा इसी विषय से जुड़ी हुई थी। तो उन लोगों के लिए अब उनके घर का हस्बैंड हो या ससुर हो या घर के कोई भी रिलेटिव संबंधित, उनके घर का कोई भी आदमी यदि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इसीलिए हम लोग एक अभियान शुरू किए, एक समूह संस्था गठन किए, और उसमें क्या किए थे कि बचत जो होता है, सेविंग होता है, उस सेविंग करके हम लोग एक माध्यम बनाए, और उसी सेविंग में महिला लोग को ट्रेनिंग देकर जो उन लोगों को थोड़ा थोड़ा आर्थिक सपोर्ट हम लोग किए, ऐसे कि मतलब उनके घर के हमारी जो समुदाय है, समुदाय में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती थी, इसलिए उनको यदि 200, 400, 500 कि यदि कोई सहयोग किया जाए तो उनके घर के लोग बाहर निकलने देंगे और अभियान में लगने देंगे। इसलिए हम लोग विभिन्न किस्म के महिला सशक्तिकरण ट्रेनिंग, महिला क्षमता अभियान, ये ऐसे प्रकार के ट्रेनिंग आयोजना करके, और महिलाओं लोग को बुलाकर, पति पत्नी को भी रहकर, सास और बहू को रहकर, ऐसे संबंध जोड़ जोड़ कर हम लोग ट्रेनिंग मतलब शुरू किए। उसमें जब महिला लोग आने लगी, और खास करके उनका सीखने का इरादा कम था, हम जा रहे हैं वहां हमें कोई सीख मिलेगा, यानी कोई हमें ज्ञान मिलेगी, तो ज्ञान से मतलब उतना नहीं था, उनको था कि मैडम लोग हम लोग को पैसा उपलब्ध कराएगी, ट्रेनिंग में जा रहे हैं, पैसा उपलब्ध कराएगी, हम लोग को कॉपी कलम मिलेगा, नाश्ता मिलेगी,
तो ऐसे हम लोग महिलाओं को करके बाहर जब निकलना शुरू किए मैम, तो महिला लोग इंटरेस्ट होने लगी, एकदम चाहनात्मक हिसाब से महिला लोग आगे आने लगी और सीखने में भी, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करना था वो ज्ञान भी प्राप्त की। और वो गांव में जाकर, ये मैं इस ट्रेनिंग में गई थी, ऐसे ऐसे वहां हुआ है कि आप लोग भी चलिए कहकर, और दूसरी महिला में हौसला प्रदान की और दूसरी महिला को जाकर जागरूक की। ऐसे करके हम लोग महिला को 4-5 हजार तक महिला का हम लोग एक संगठन बनाए और उसी संगठन माध्यम से हम लोग राजनीति में प्रवेश कराए, क्योंकि राजनीति में महिला नहीं आना चाहती। जिस समय मैं राजनीति में थी, जो डिस्ट्रिक्ट में मैं हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट में महिला क्या बोलती थी कि नहीं बाबा बाबा घर के पुरुषों में काट देंगे, मार देंगे, मेरे पति मेरे ससुर मार कर फेंक देंगे, हमें राजनीति नहीं करना है। तो उन लोगों को धीरे धीरे जो होता है ना, तो छोटा छोटा लोभ दे दे कर सिर्फ, यानी कि उनका यहाँ इंटरेस्ट बढ़े और वो विषय प्रति ध्यान आकर्षण हो करके राजनीति में महिला लोग आने लगी। और निर्धक पहले तो जो भी जितना भी हिंसा घर में होती थी, घरेलू हिंसा, लेकिन कोई भी महिला बाहर नहीं लाती थी। जब मैं चेयरपर्सन थी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस अंतर्गत, तो महिला लोग को जन चेतना अभियान गांव गांव घर घर जाकर जब हम लोग टीम बनकर शुरू किए, तो महिला लोग हमारा वहां मुद्दा को लोग महिला लोग सुन रही हैं, अपना पीड़ा को मैं अपना दुख को तकलीफ को बाहर ला सकती हूँ। तो इतना बाद में महिला को छोटा से छोटा तकलीफ होती है तो महिला लोग मुद्दा लेकर चली जाती है। और फिर जिला में जो जिला प्रशासन होता है डीएम के अध्यक्षता में, उसमें भी एक शांति समिति, स्थानीय शांति समिति कहकर एक कमिटी था, जो कमिटी के मैं चेयरपर्सन थी। उसमें भी मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही था और उसमें भी मैं चेयरपर्सन होकर जो घटना हुआ, जो क्या बताए, जैसे जो आंदोलन हुई थी, आंदोलन में लोग मरे गए थे, वैसे मरे गए व्यक्ति को, यानी कि क्या कहते हैं उनको, जो उनके पति मर गए हैं, बच्चे मर गए हैं, वैसे परिवार को हम लोग बाहर लाकर उन लोगों को राहत, उन लोगों को जो सरकार तरफ से मिलने वाला सेवा सुविधा उपलब्ध कराने लगे। हम लोग महिला को सशक्त बनाने लगे, क्योंकि आपका अधिकार यहाँ है, आपको ये चीज ऐसे मिलने वाला है। तो महिला इस तरह मैम सशक्त हुई है और इन्वॉल्व विभिन्न कार्यक्रम में हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने लगाया है। लेकिन जहां तक कि मैं हिंदुस्तान में भी देख रही हूँ कि भारत में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जब अगर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई केस होता है तो ठीक है, आप पुलिस उसमें रजिस्टर कर देती है या कुछ करती है, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वो महिला उसको प्रूव नहीं कर पाती है, अनलेस अंटिल उसके फिजिकल बॉडी में कुछ हो। जहाँ मेंटल टॉर्चर होता है, जहाँ पे आपको दूसरी तरीके से हार्म किया जाता है, वो केस ही नहीं बन पाता है और उसकी कोई सजा होती भी नहीं है। मुझे पता नहीं कि नेपाल में ऐसा किस टाइप के लॉ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लॉज जो हैं अच्छे बन रहे हैं। जी जी, और इसमें भी हम लोग महिला पुलिस के ही मार्फत द्वारा हम लोग उनका दुख तकलीफ को पूछते थे। एक घटना हुई थी कि जो महिला, एक विक्टिम महिला थी, उनके साथ यौन हिंसा हुआ था और वो पुलिस ऑफिस आई और अपना व्यक्त की कि हमारे साथ ऐसे घटना हुआ। तो वहाँ की एक पुलिस जो भाई थे, उन्होंने और उनके साथ वो महिला के साथ जो होता है खुद कर जो पूछना कैसे किया, क्या किया, इस तरह जो हुआ, ऐसे करके और बड़ी हिंसा वहां पर हुआ। तो ये सब सारी बातें हम लोग जब पता लगा, उसके बाद में हम लोग मांग करने लगे, अभियान चलाने लगे कि पुलिस में भी महिला की दुख तकलीफ सुनेगी, पुरुष पुलिस नहीं सुनेंगे, क्योंकि महिला पुरुष पुलिस से नहीं अपना बताती है कोई कष्ट, कहाँ कैसे घटना हुआ है, किस प्रकार के हुआ है। इसलिए और जो हमारी कमिटी है, जो हम उसमें चेयरपर्सन थे, तो कमिटी में महिला अधिकांश थी और पुरुष कम थे। वो कमिटी में एसपी साहब पुरुष थे, तो इंस्पेक्टर साहब महिला थी, तो
तो इसलिए कमेटी भी सारे जो उन महिला को पीड़ित महिला को विक्टिम महिला को समस्या समाधान करते थे। शुक्रिया। अब मैं बीबा ठाकुर जी से कुछ पूछना चाहूंगी। बीबा जी आपने आप सुन रही हैं? हाँ जी हेलो। हाँ जी बीबा जी आपने अभी अभी ये बात बोली कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का जो संबंध है ये बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन अगर वो राइट्स इंडिया आपको नहीं सपोर्ट करता राइट्स के लिए तो आप ब्याह करके ना घर की रहती है ना घाट की रहती हैं, और इसके लिए भारत को भी बहुत कुछ करना चाहिए। आपकी सोच में क्या क्या भारत को करना चाहिए? और दूसरी बात कि इस चीज के लिए अगर वो नेपाल में रहती है और उसको वहां पे राइट नहीं मिलते हैं तो आप किस तरह के लॉस के लिए डिमांड कर रही हैं? मेरा कहना है जो प्रधानमंत्री जो मेरे देश के मतलब अभिभावक हैं भारत देश के, जो अपनी बेटियों को नेपाल में कर दिए, तो इससे काठमांडू से बात करें, जो या तो आप रिश्ता तोड़ें या नहीं तो मेरी बेटियों को राइट दें, और वहाँ की रोटी, वहाँ का पैसा, वहाँ का इंडियन एम्बेसी, वहाँ का कॉलेज, वहाँ का एम्बुलेंस आपको अच्छा लगता है। अगर मेरी बेटी नहीं अच्छी लगती है तो इसका मतलब है सोचने वाली बात है कि आप किसी दूसरे देश के इशारा पे चल रहे हैं, और मेरी बेटियों पहले का जो आत्मीय संबंध था, धार्मिक संबंध था, उसको कुचलना चाहते हैं। आप दो में से एक करें, डबल नाव पे नहीं रखें। दूसरी बात क्या है, मेरे प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट काठमांडू के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, तो वो तो कभी मेरा हो नहीं सकते हैं मधेसी समुदाय के, क्योंकि हम आपको पहले भी बोले हैं जो वे खसवादी मानसिकता से भरे हुए हैं, मधेसी के बिल्कुल दबा के रखना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों के प्रदेश नंबर दो जो है उनके मुख्यमंत्री से भी उनको बात करना चाहिए, कारण प्रदेश का लॉ भी अलग होता है, प्रदेश का कानून अगर हमको केंद्र नहीं देता है, लेकिन हम तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो मेरा उनका अपना राइट होना चाहिए। जैसे कि जहाँ की प्रदेश तो संघीयता आ गया, लेकिन कानून जो है, जो सारा का सारा जो कर्मचारी जो है तो सारा का सारा केंद्र में सीमित है। तो मान लीजिए जितना भी हम आंदोलन करें, संघीयता आ गया, लेकिन जब तक ये संघीयता मजबूत नहीं होगा, जैसे कि अभी किरण जी बोली है प्रहरी एक्ट के बारे में, तो प्रहरी एन भी नहीं पास होने दिया केंद्र ने, तो प्रहरी एन नहीं किया, तो जब हम अपना व्यथा लेके अगर महिला सेल में जाते हैं तो वहां पे मेरा बात कौन सुनेगा? वहां तो काठमांडू से उसको फोन आया, पॉलिटिकल फोन आया, जो मेरी पार्टी की है, इसको तुम गलत भी किया है तो इसको बचाओ। कानून रहेगा तब ना, वो सब नहीं है। इसलिए हमको भारत सरकार से बिना अनुरोध है, जो अगर नेपाल के साथ संबंध रखते हैं, अगर भारत नेपाल रखना चाहता है, ये दूसरे के इशारा पर नेपाल कर रहा है, तो हम लोग के लिए पहले बात उठाए, उसके बाद सारी सुविधाओं उनको नेपाल को प्रोवाइड करें, नहीं तो बंद करें। मेरा यही उनसे रिक्वेस्ट है। शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। अब मैं मोनिका सिंह जी से कुछ पूछना चाहूंगी। मोनिका जी, यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट वुमेन्स पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, इवन इफ देयर इज अ कॉन्शियसनेस फॉर द पीपल, आई मीन वुमेन आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस एंड दे आर स्टिल नॉट एबल टू एक्सर्ट देयर राइट्स और इंप्लीमेंट इन टू अ राइट वे, then what are the options for the women? How do they mobilize the women for a movement, or do they go for institution building, or what are the choices? At first I would like to speak in Hindi because meri mummy bharat se thi aur wo bharat ke swatantrata senani ki beti thi और मुझे हिंदी बहुत मीठा लगता है, और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है वो बोल रहे हैं हिंदी, तो मैं हिंदी में बोलना चाहूंगी प्लीज। आप हिंदी में मुझे भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। देखिए क्या है कि पॉलिटिकल कंसेप्शनिस तो आ रहा है, आपने चमेली जी का सुनी, जो चमेली दास जी का, जो बहुत ही लोअर तबके से बिलोंग करती है, उनको लैंग्वेज नहीं आता, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो अपना राइट जानती है।
कि मेरा क्या राइट है, हम अपना बात रख सकते हैं, मेरा बात सुना जाए, इस तरह का कॉन्शियसनेस, मतलब टॉप टू बॉटम जो वुमेन है। पहले तो हम ये देखते थे, मेरा पति से 4 इयर्स एज हो गया, तो मैं बहुत दिन से और एक पॉलिटिकल कल्चर में मेरा इंटरेस्ट भी है, तो मैं बचपन से देखते आ रही हूँ इतना सालों से, बच्चों से, कि पहले तो पढ़ी लिखी वुमेन सबको भी उतना अपना राइट के बारे में ख्याल नहीं रहता था, कॉन्शियसनेस में रहता था कि हम हमारा क्या राइट है, हम मतलब हमको कैसे जीना चाहिए, क्या फैसले लेना चाहिए, हमारे जो फैसले होते हैं उससे किसका अधिकार होना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए, या उसे जो डिनाई करता है तो उस अवस्था में हम कैसे वहाँ पे प्रस्तुत हुए, इस तरह से नहीं देते थे। लेकिन कैसे भी धीरे धीरे ग्रेजुअली अफकोर्स मूवमेंट हुआ है, डिफरेंट टाइम में मूवमेंट हुआ है, महिला आंदोलन सभी हुआ है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ा है, इस सबका प्रभाव इतना पड़ा है अभी कि वुमेन जो है अपने राइट के लिए, पॉलिटिकल राइट हो, सोशल राइट हो या इंडिविजुअल राइट हो, उसके लिए कंसेस हुई है। अब सवाल ये उठता है कि वो नहीं सुनेगा तो उसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो वो अपना बात रखते हैं, पहले तो हम ये लेवल वाइज देखते हैं कि अच्छे से बात रहते हैं, फिर एग्रेसिवली प्रस्तुत होते हैं, उसके बाद जो कानूनी अधिकार है कानूनी रूप से रहना चाहते हैं, लेकिन कानूनी रूप से रहने में फिर क्या आ जाता है कि बहुत सा कानून है जो कंट्राडिक्शन आता है उसमें, और हिंसा के हिसाब में क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट नहीं है वुमेन तो जिसके खिलाफ लड़ना है उसी पर आर्थिक रूप से डिपेंड रहती है, तो वैसे सिनेरियो में उसी से पैसा लेकर आप उसी के खिलाफ केस तो नहीं कर सकते, तो बहुत सारे मुद्दा ऐसे बच जाता है, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसी में जो वुमेन जो साहसी वुमेन सब है वो क्या करती है, अपना बात या तो सड़क से रखती है, या मानवाधिकार से पहलाती है, या समाज में जो जानने वाला सुनने वाला या कोई संस्था होता है वहाँ पे जाती है, और इस तरह से वो अपना बात रखती है, और अपना बात को एड्रेस करने के लिए विभिन्न किस्म से दबाव देती है। Thank you very much. Now I would like to ask the last question to Ms. Meenu Kumari. You've been talking about, you know, the education, the rights of women in terms of first empowering them with education. I was just wondering that what happens to women agar wo wahan pe education li hui hain, madhes mein hain, bahut padhi likhi hain, और आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके ऊपर किस तरह के टैग आते हैं कि आप बहुत पढ़ लिख गई हैं, फिर पढ़ने के बाद आप ऐसा कर रही हैं, आप ऐसे बात करती हैं, आप पढ़ लिख गई हैं तो आप किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, या आप पढ़ी लिखी हैं तो आपको ये बात शोभा नहीं देता, तो ये सब चीजें जो पढ़ाई की वजह से आ जाती हैं उसको हम लोग एज अ वुमेन कैसे डील करें। I think I'm not able to unmute Meenu ji. Kalathi, just check to unmute her. Realme. Yeah, Realme. She's there? She's not there. Ma'am, Meenu Kumar, ma'am, please unmute yourself, ma'am. Ma'am, she's not there. She's not there? Yes, okay, anyway, then we'll close the sessions. We'll just end the session by thanking everyone. It was a pleasure to have all the people from various parts of Nepal, from various generation, this thing. We had very good speakers. So first of all, I would like to thank all the panelists for 4 various sessions the whole day.
along with the, you know, the great foundation which provided the logistical support. I also want to thank Snehal and Kalathi for being the moderator and supportive role. Besides, we regret that Honorable Sujata Kuralaji could not join us for due to health reasons. We hope in the next session, next webinar, we would be able to invite her and listen to her views as well, which will be very, very, you know, encouraging for all the other people, starting from the positions, the women in positions of power, as well as in various ministries and administrative positions, as well as the youth. I mean, it is very good to hear the young generation. How do they feel about the changes? Of course, they feel that their change has happened and it is continuous, but there definitely needs to be done more. With the very positive note that many of the things have really worked in Nepal, it is in one sense one of the models of revolutions being taken. You know, Madhes Andolan was also one of the ways where women have been empowered and emancipated. These things have really, you know, given strength to the women in Nepal. And I hope this is also taken as what Namrata ji was pointing, as a South Asian women's you know, campaign, where other countries are also taking into and moving forward. We take all those really good inputs with us. And thank you very much for participating in this. And also special thanks to Sunita Kumar Shahji. She was always a very strong support. And also, needless to say, Sarita Giri ma'am was a very, very strong support that she agreed to join us. You know, and we also had Vidya Bhattarai ji. I was really skeptical whether she would finally join or she would not join. Then Usha Kumari ma'am, to the last moment, even Mona Ansari ji was, you know, really in a doubtful situation because she was quite preoccupied. Chameli Das ji, even at the last moment, she could just join back to us, taking some time from her busy schedule. This is really, really heartening. And I thank all the, you know, panelists and the speakers. Thank you very much all for being with us. Thank you. Have a good day.